प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अगरतला में 4 जनवरी को महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। बिल्डिंग के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने पूरे इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन का गहनता से निरीक्षण भी किया था। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव भी मौजूद थे। करीब 450 करोड़ की लागत से तैयार हुआ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट टर्मिनल 30,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, नया भवन एडवांस फैसिलिटीज से लैस है और इसमें लेटेस्ट आईटी नेटवर्क इंटीग्रेटेड सिस्टम का भी सपोर्ट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक ये बिल्डिंग 20 चेक इन काउंटर और 4 यात्री बोर्डिंग ब्रिज से लैस है। पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर लोकल आर्ट फॉर्म्स, उन्नाव कोटी पहाड़ियों की पत्थर की मूर्तियां, चबीमुरा रेप्लिका और लोकल बैंबू आर्ट भी देखने को मिलेगा। यही नहीं, इसके अलावा त्रिपुरा एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल में 10 इमिग्रेशन काउंटर, 6 एयरक्राफ्ट पार्किंग बे के लिए एप्रन, 5 कस्टम काउंटर, 4 यात्री बोर्डिंग ब्रिज और यहां तक कि एक हैंगर भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि साल की शुरुआत में ही त्रिपुरा को माँ त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से 3 उपहार मिल रहे हैं। पहला उपहार कनेक्टिविटी का, दूसरा उपहार मिशन 100 विद्या ज्योति स्कूलों का और तीसरा उपहार त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना का। पीएम मोदी ने कहा कि इस स्थिति को बदलने के लिए ही मैंने यहाँ के लोगों को HIRA का आश्वासन दिया था। एच यानी कि हाईवे, आई यानी कि इंटरनेट, आर यानी कि रेलवे, ए से एयरवेज, आज हीरा मॉडल पर त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम त्रिपुरा को पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। त्रिपुरा अब इस क्षेत्र में एक व्यापारिक गलियारा बनता जा रहा है। रेलवे और सड़क से जुड़ी कई पहलों ने इस क्षेत्र को बदलना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।